मॉर्निंग गाइज, हम लोग पिछले एक घंटे से ऐसे ही यहाँ पे रजाई के अंदर दुबके हुए, क्योंकि सुबह के समय रजाई ज्यादा गर्म हो जाती है ना, आप लोग को मालूम होगा ये बात। रात भर ठंडा रात भर ठंडा रहता है, सुबह के टाइम रजाई भी ठंडा ठंडा रहता है। अभी बहुत हम लोग एक घंटे से कुछ भी बोले जा रहे हैं, मजाक मस्ती किए जा रहे हैं, तो मम्मी बहुत गुस्सा करी है कि जल्दी से उठ करके ब्रश करके नाश्ता करके नहा करके रेडी हो जाओ, फिर आज हम लोग को रिकॉर्ड भी करना है। स्वागत है आप सभी का ठाकुर फैमिली ब्लॉग में। पापा आप डांट के रहे हो। तो गर्म पानी सुबह सुबह पीने का एक रिचुअल जैसा है कि गर्म पानी सुबह पीना ही पीना है ना हमें। और मैंने इसे सुना है कि लोग पतले होते हैं। कल हमारे घर में रिकॉर्डिंग है तो मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी कौन सी पहनूं। ओ खुशबू आ रही है बहुत तेज जोर जोर से। इधर आलू गोभी के भुजे का उरियान हो गया है यहाँ पे। कच कच को और कुछ बोलते हैं मम्मी, बड़ी पकौड़ी बोलते हैं। ये जो है पकौड़ी, ये मम्मी निकाल दी है फ्राई करके। अब ये जाएगा इस के अंदर, ग्रेवी के अंदर। मक्खियाँ यहाँ पे बहुत देर से यहीं पर है, पता नहीं क्या है वो, मधुमक्खी है। मैं सुबह से उसको देख रही हूँ उसी पोजीशन में है, वो थोड़ा बहुत पैर हिला रही है। और इधर हम लोग, हमारा दोपहर का रिचुअल है ऐसे घूरता अपना, बिल्कुल ऐसा फील आता है आपके सामने बैठे हो। ये कोल ही कर देता है मालूम है, आलसी। घूर के पास बैठो तो उठने का मन ही नहीं करे और आपको पसीने भी आ रहे हैं। गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से वो स्वेटर क्यों पहना है, क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था वो है कि मैथिली, बाय द वे मैथिली हैज वोर द सेम आउटफिट फॉर 3 डेज। तो मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोग बड़े तेज हैं, तो आज मैं फिर नहीं नहाई हूँ। इसलिए आज ये कलर तुमको बहुत पसंद है इसीलिए पहन लेती हूँ। हाँ मतलब मैं कपड़े अपने स्वेटर को ज्यादा नहीं धुलवाती हूँ सर्दी के मौसम में, क्योंकि कपड़ों को ज्यादा धोने से ना वो ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो मैं एक दिन पहनती हूँ तो अगले दिन दूसरा स्वेटर पहनती हूँ, तीसरे दिन दूसरा, फिर रिवर्स, फिर से वो चीज मतलब एक लूप पे पहनती हूँ, ताकि मेरे कपड़े ना एक एक दिन ही पहनी और उसको आराम से रख देती हूँ, ताकि उसको ज्यादा धोने के झंझट ना हो, है ना मम्मी, है ना, खराब हो जाएंगे बेचारे। तो जब से 2022 शुरू हुआ है तब से मैं घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि कोरोना केसेस अचानक से ऊपर हो गए, फिर हमें भी कोरोना हो गया, तबीयत खराब हो गया था। लेकिन अभी फाइनली जाके कुछ सामान लाना है बाहर से, तो मैं जाता हूँ, नीचे दुकान है वहीं से लेके आऊंगा, ज्यादा आगे तक तो जा नहीं सकते हैं। फाइनली कितने दिन हो गए यार, 20-25 दिन के बाद निकलूंगा घर से। बाकी अभी रिकॉर्डिंग होगा रामचरितमानस का, तो उसका तैयारी चल रहा है, तबला वहां पे रख दिया है मैंने, बाकी सब दीदी माइक सेट कर रही है, लाइट वाइट लगा दी है और कैमरा का बैटरी चार्ज हो रहा है। सबसे पहले लेते हैं मास्क। अभी ना मेरे को ना क्या बोलते हैं, एक जोक बहुत अच्छे से याद आया, ठीक है, ऐसा चीज बता नहीं जो सुबह में उठ जाता है लेकिन रात में सो जाता है, ऐसा क्या चीज होता है? इंसान। तो कुत्ता इंसान दोनों। निकलो भाई घर से, तो नीचे जाना है तो कपड़े वाला मास्क ही पहन लेते हैं। यस, दिस लिफ्ट इज रिजर्व फॉर कोविड पॉजिटिव फ्लाइट्स, तो हम इससे नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली यार, मेरी साइकिल, बाप रे, एक महीने बाद देख रहा हूँ इसको मैं। अपन अभी ना साइकिल से नहीं जाएंगे क्योंकि एकदम अपार्टमेंट का गेट से निकलते ही दुकान है, साइकिल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं वापस आ चुका हूँ सामान सब लेके, बहुत भारी भारी हो गया, सब्जी वब्जी लेना था और दूध वगैरह लेना था। अभी चलते हैं घर में, नाश्ता वगैरह करके उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू करना है। मटर है 40 रुपए, कदीमा है 50 रुपए का, ओल है 60 रुपए का। मैंने बोला उसे कदीमा दे दो लाल वाला, समझा ही नहीं, मैंने बोला सीताफल दे दो, तो समझ गया, बताओ। तो मैं भी घर पे आया तो मम्मी ने सेब काट के रखा था मेरे लिए, इसे खाते हैं। और मैंने सही को बोला थोड़ा तारक मेहता लगाओ, तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट और टुकियों के कांच टूट जाते हैं, ठीक से साफ कर। अरे भाई बहुत मजा आता है। अभी बन रहा है किचन में चाय गरम गरम। हाँ हाँ, ये अपना क्लासिक नाश्ता, चाय में फैन डुबा के, बहुत बढ़िया है। तो आज भी नहीं नहाया, सेम वही स्वेटर पहना है कल की तरह। अरे देखो, दो दो दिन। हाँ। बोलती हूँ ना तेरा स्वेटर खराब हो जाएगा, उसी तरह इसका भी खराब हो जाएगा। तो दीदी भी जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर देख देख के गाना गाती है।
और हम दो बैठ के रिकॉर्डिंग करने के लिए वहाँ पे हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है गाइस और तबला हारमोनियम है। A few moments later. मत कर यार ऐसे ही तो अभी तक हम बस हम दोनों ना रियाज कर रहे थे और ये रोने लग गई। अब ठीक है और पापा जैसे आएंगे तो बोलेंगे पापा दीदी और क्या बोलते हैं हुआ क्या। लेकिन ये तो बताओ सनी हनी परेशान कर रहा है ऐसे बोलेगी। इसका फोन भी खराब हो गया इसमें कोई इंस्टाग्राम चल नहीं रहा मेन इसका गुस्सा उस बात का है फोन खराब हो गया तुम जल्दी सनी इसको करने दे चल अपन दोनों बाहर चलते चल चल मारेंगे मारेंगे बोलना मुझे सपोर्ट नहीं करा होगा। लेकिन आवाज इसकी आ रही थी और ये शांत जो करवा रही थी इसकी वो आवाज आ रही शांत करवा रही थी पकड़ा गया खुद इरिटेट हो गया ये नहीं समझती इसके इरिटेट होने से हम इरिटेट होते हैं। और इरिटेट होने के लिए आप आए तो थे हमारी डांटने के लिए लेकिन उसका गलती पता चला तो भाग रहे हो। भागने रही हूँ काम दुनिया का पड़ा हुआ। अब क्या हुआ है दीदी थोड़ा रोना कम कर दिया और फ्रैंक होने की कोशिश कर रही जो कि हो नहीं पा रही है हमारे साथ बार बार हमारी तरफ देख करके हंस रही है बता रही है हम मजाक वाली चीज है अलग है। पापा आए थे बचाव में दीदी के ठीक है लेकिन पापा को भी लगा कि नहीं इस बार दीदी गलत है हम ठीक है तो वहाँ पे जाके बैठ गए। तो मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई बिल्कुल और अभी हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं ठीक है ना यहीं पे बैठ के खाना खाने लगे बताओ। तो अभी बज रहे हैं रात के एक बज के 6 मिनट हो रहा है और तब से किचन में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही है और हम आवाज लगा रहे हैं कि कौन है जो इतनी खड़खड़ाहट की आवाज कर रही है। फिर मैंने लाइट जलाया। रात के 1 बजे कौन मैगी बना के खाता है हनी का मूड अपसेट है। क्या हुआ हनी बताना क्या चाहिए बताना हनी बताना क्या चाहिए। मजाक के मूड में नहीं हूँ अब तो रोने लग तब मैं रोई और मम्मी ने इसको डांट दिया इसलिए अब ये रोने वाला है थोड़ी देर में क्योंकि इसका मूड अपसेट है ये बात करने के मूड में नहीं है। हनी था तब से इतनी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है हनी मैगी ढूंढ रहा था इतनी देर से उसे मिल नहीं रहा था और मैं डर गई कि कोई आवाज़ ही नहीं मतलब हम बोल रहे हैं कि कौन है और कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। आज के व्लॉग का समाप्ति ऐसे ही करते हैं क्योंकि बेचारा हनी वो अपसेट हो गया मम्मी ने और पापा दोनों ने मिलकर उसे डांट दिया। मिलते हैं कल आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर।